अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम। अज्जन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ग्रीन चिकन की रेसिपी। ये मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। जीरा, साबुत धनिया, इसको मैं पीस लूँगी। इसको पीस के हम एक तरफ रख देंगे। ये मैंने लिया है 1/2 किलो दही, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला, नमक और ये है मेरा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने खूब बहुत सारा लिया है। देखिए आप, इतना हरा धनिया मैं सारा डाल दूंगी। इसको अच्छे से हम हाथ से तोड़ेंगे और फिर मिक्सी में हम डाल देंगे जार में और सब पीस लेंगे इसको। इसको हरा धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब धोने के बाद मैं ऐसी हाथ से इसको तोड़कर पूरा इसमें डाले दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरा मैंने इसमें सारा हरा धनिया डाल दिया है। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको ये ग्रीन चिकन। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं डालूंगी इसमें अदरक। अदरक को भी हमने मोटा मोटा काट लिया है रफली, इस तरह से। ये भी इसमें डाल दूंगी मैं। ये मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं ये डाल रही हूँ नमक, ये गरम मसाला, थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच नमक, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सारे मसाले मैं एक ही जगह डाल रही हूँ। आप ये ध्यान रखें कि जो भी मेरे मसाले सब इसी जार में जा रहे हैं। ये सारे, ये नमक भी डाल लिया मैंने, लहसुन भी डाला है, अदरक भी डाली है, गरम मसाला भी है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें ही डाली है। अब मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, ये हल्दी है थोड़ी सी, और 1 चम्मच पिसी मिर्च। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच मैंने ली है लाल पिसी मिर्च, ये भी मैं इसमें डाल लूँगी। ये 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, पिसा धनिया, और ये मैं डाल रही हूँ दही। दही मैंने जो लिया है वो भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। सारे मसाले, दही, मेरी सारी चीज़ एक ही जगह, आप देख रहे हैं, सारा मेरा इसी जार में सारा सब कुछ जा रहा है। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, जो मैंने चॉप करके काट के रखे हुए थे, ये टमाटर भी मैं इसमें डाल लूंगी। अब हम इसको खूब अच्छे से पीस लेंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ये मैंने डाला है तेल। आप चाहें तो घी में या रिफाइंड में, जिसमें ही पका सकते हैं, मगर तेल में ये बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल मेरा खूब अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, और चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हम ज़रा तेल में फ्राई करेंगे। चिकन मैंने डाल दिया है। अब इसको अलट पलट कर हम 10 मिनट कम से कम इसको फ्राई करेंगे। खूब अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। ये जो मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा जो पीस के रखा था मिक्सी में, ये पहले मैं ये डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने डाला है सूखा धनिया, साबुत वाला जो पीस के रखा था, और ज़ीरा, ये मैंने इसमें डाला है। थोड़ी देर इसको चला लेंगे। अब हम वो सारे मसाले डालेंगे इसमें जो मैंने मिक्सी में तैयार जार के अंदर जो सारा सामान पीस के रखा है, अब वो सब डाल रही हूँ मैं। सारे मसाले आप याद रखें, सारे मसाले मैंने एक ही जगह पीसे और उसको एक साथ ही इसमें डाल देंगे सारे। अब इसमें एक तो मसालों का पानी, ऊपर से चिकन का पानी, फिर ये दही का पानी, तो ये इसमें अच्छा खासा इसमें पानी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे कवर करके पकाएंगे ताकि ये हमारा चिकन जो है इसमें गल भी जाए, और फिर हम भुनाई जो करेंगे उसकी वो बाद में करेंगे। जब ये पानी सूख जाएगा और हमारा चिकन गल जाएगा, फिर हम भुनाई का आखिर में करेंगे बिल्कुल। तो जब तक के लिए हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल जब तक पकाएंगे, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ये गल ना जाए। अब मैंने इसको कवर कर दिया है। अब जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसका जब देखूंगी मैं। 15 मिनट हो चुके हैं इसको, चिकन हमारा खूब अच्छे से गल चुका है। अब बस हमें थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है।
खूब अच्छे से इसमें इसको भुनेंगे तक, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन करें बहुत दूर तक इसकी खुशबू जा रही होगी, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, पूरे में महक रही है। और इसकी भुनाई इतनी अच्छी करेंगे, इसका जो ये मसाला है वो इसमें लिपटने लगेगा, बोटियों में इसका मसाला लिपटने लगेगा और ये पनियालापन जो है ये ख़त्म हो जाएगा जब तक भुनाई करेंगे इसकी। 5-7 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसको उतार लेंगे। आप चाहें इसमें तो साबुत लाल मिर्च भी लोग डालते हैं, अगर आपको लाल मिर्च पसंद हो साबुत तो आप डालें, और नहीं पसंद हो तो न डालें, ज़्यादातर लोग डालते हैं इसको इसमें, तो मैं पहले ही हरी मिर्च इतनी डाल चुकी हूँ, फिर लाल मिर्च भी डाली है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। खूब अच्छे से मेरा ये चिकन गल भी गया है और भुन भी गया है और पूरे में खुशबू आ रही है, इसकी महक जो है पूरे में महक रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन चावल के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है ये बिल्कुल अलग डिश है, ये बहुत कम लोग बनाते हैं इसको, आप एक बार बना के देखिए, अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाएंगे, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप बनाएं, बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। आप ये देखिए कि कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे मसाले मैंने एक ही मिक्सी में डालकर पीस के दिखाए आपको, और बस चिकन डाला, फ्राई किया और सारे मसाले डाल दिए और तैयार। इतना आसान, इतनी आसान मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ कि आपको किसी ने नहीं दी होगी इतनी आसान। हर कोई इतने बड़ा चढ़ा के मसाले दिखाता है कि वो बनाने वाला भी परेशान हो जाए, ये भी डालो वो भी डालो वो भी डालो वो भी डालो, कहाँ तक डाले इंसान, अरे जितनी ज़रूरत है उतने ही तो डालेगा इंसान, ज़्यादा गर्म मसाले डाल दें, ज़्यादा हम चीज़ें डाल दें, अब दिखाने के लिए तो हम डाल दें और वो चीज़ हमारी बेकार बने, क्या फ़ायदा उससे, तो हमें मसाले उतने ही डालने जिससे हमारी सालन अच्छा बने, और हम जितनी घर में यूज़ करते हों, ये नहीं कि हम दिखाने के लिए कुछ और अपने खाने के लिए कुछ, इस तरह की रेसिपी नहीं दिखानी चाहिए, उससे क्या होता है कि सालन और बिगड़ता है। मैंने आपको जो तरीका बताया है आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, इस अंदाज से आप पकाएं तो बिल्कुल मेहनत आपको नहीं लगेगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा ये बन के तैयार होगा। देखिए कितना अच्छा शक्ल से ही आपको लग रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त बना है। ये मेरा चिकन अच्छे से भुन चुका है, खूब अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर आ रहा है इसका, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मैं आपसे यही कहूँगी एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इससे अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है, इसको सर्व करते हैं।